आज हम कोरल ड्रा 12 में सीखेंगे लीफ्स लोगो कैसे बनाते हैं। पत्तियों वाला लोगो कोरल ड्रा में कैसे बनता है आज वो आप लोगों को हम बना के दिखाएंगे, जैसा कि आप अभी देख पाएंगे। इससे पहले आप वीडियो को मेरे ज़रूर लाइक करना, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक इलिप्स टूल ड्रैग करना, ठीक है, और इलिप्स टूल को इस तरीके से ड्रैग करना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इलिप्स टूल को हमें ड्रैग करना है। मैंने ड्रैग कर लिया, उसके बाद इसकी एक कॉपी बना लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ कॉपी बन चुकी हैं। इसके बाद हमें जो करना क्या होगा, दोनों इलिप्स को सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से, जैसा कि मैंने दोनों इलिप्स को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद ध्यान देना है, ठीक है, प्रॉपर्टी बार में इंटरेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट हमारे अलग हो जाते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मैंने डिलीट किया और ये मेरा बीच का पार्ट निकल के आ चुका। अब हमें करना क्या होगा, इस पर मैं क्लिक करना एक बार और इसको थोड़ा सा इस एंगल को घुमा लेना है, ठीक है, और राइट की साइड को फिर से हमें इसको थोड़ा सा घुमाना है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से बीच वाले पॉइंट को जस्ट नीचे की साइड लाते हैं और राइट क्लिक करके राइट प्रेस करते हैं, ठीक। राइट क्लिक करके इसको हम कॉपी बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी कॉपी बन चुकी। अब हमें करना क्या होगा, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। लेफ्ट एरो को प्रेस करते हुए लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो इतना होने के बाद फिर हमें करना क्या है, ठीक है, हम फिर से जाते हैं एलिप्स पे और एक फिर से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किए और एक एलिप्स इस तरीके से खींच लिए। अब ये मेरा खींच चुका है कुछ इस तरीके से एलिप्स। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें जो लाइन्स लगाना है, ग्रिड्स को हम ऊपर से नीचे की साइड लाते हैं माउस से और लेफ्ट से राइट की साइड को निकालेंगे, ठीक है। एक ग्रिड्स हमें और निकालना है कुछ इस तरीके से, इसको मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स बनाया है, ठीक, पत्तियाँ बनाई हैं, इनको सिलेक्ट करके, ठीक है, इस तरीके से ले जाते हैं और थोड़ा सा इसको माउस से एक बार फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं, इस तरीके से रोटेट किया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एरो की के माध्यम से सेट करते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। अब हमें करना क्या है, ये तो मेरा हो चुका है इतना, थोड़ा सा सही से सेट करते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, इसको हम लेफ्ट बटन दबा के जो मेरा एलिप्स बना हुआ उसके सेंटर में नीचे लाते हैं बीचों बीच में कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगले को पकड़ के इस तरीके से कॉपी करते हैं, जो मेरी नहीं हो पाई फिर से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। इससे पहले वीडियो पे आप लोग बने रहें, स्किप ना करें, ठीक, वीडियो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, ठीक है। तो लीफ लोगो कैसे बनता है वो आपको बताया जा रहा है कुछ इस तरीके से। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फिर से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मूव करते हैं, राइट क्लिक किए नहीं हो पाया, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से इस तरीके से राइट क्लिक किया, मेरी कॉपी हो चुकी। अब हमें इन्हीं की डुप्लीकेट चाहिए, कंट्रोल आर, ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से कॉपी मैंने बना लिया, ठीक है दोस्तों, मेरा इतना हो चुका, मैंने कॉपी बनाया। उनके बाद अब हमें करना क्या होगा, इन सभी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सभी को सिलेक्ट करना है। तो पिक टूल के माध्यम से हम इन सभी को एक साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ध्यान देना है प्रॉपर्टी बार में फिर से, ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉपी बनाया सबकी और इसको राइट की साइड को ले आते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा राइट की साइड आ चुका है कुछ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जो मेरा एलिप्स बना हुआ है, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से इसको हम सेट करते हैं और क्या करते हैं, आप अपने एलिप्स को डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से मेरी जो है पत्तियाँ बन चुकी हैं। अब इसमें हमें कलर भी भरना, तो कलर भी आप भर सकते हो, वो अभी आपको वीडियो में हम बताएंगे कैसे कलर होता है। इससे पहले अगर हम इसमें कोई एक स्टार लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे हम स्टार को ले लेते हैं। स्टार से पहले एक शेप्स ड्रा करते हैं छोटा छोटा सा कुछ इस तरीके से, जिसको हमें बॉटम में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ड्रैग किया शेप्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी पत्तियों को साथ में सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो हमें कलर फिल करना है वो हम देखेंगे, ग्रीन कलर को फिल किया, ठीक है, कलर पैलेट में जा करके ग्रीन कलर पे क्लिक किया।
अब हमें करना क्या होगा, ध्यान देना है, जो मैंने शेप्स बनाया था उसमें कोई कलर को हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, इतना हमारा तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं सही से क्लिक करके, ठीक है, एरो की के माध्यम से अप की तरफ खींचते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इतना तो मेरा कंप्लीट हुआ है, अब हमें करना क्या होगा, ध्यान देना है दोस्तों, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक मेरा जो है स्टार लग जाए, तो शेप टूल में आपको स्टार मिलेगा, वो भी हमें यहाँ पे देखना है, ये तो 4 इसमें, ठीक है, गलियाँ हमें 5 स्टार चाहिए, तो प्रॉपर्टी बार में जा करके 5 स्टार को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा कोई एक कलर फिल कर देंगे, ठीक है, कलर फिल कर देंगे, ठीक है, जैसा कि कलर पैलेट में गया और रेड कलर पे क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से कलर फिल हो चुका है। अब हमें करना क्या होगा, इतना मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हम चाहते हैं कि ये किसी आउटलाइन हटा देंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करके नो आउटलाइन कर देंगे, नो आउटलाइन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, ध्यान देना है, एक रेक्टेंगल में अगर इसे हमें रखना है तो आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब हम चाहते हैं जो एक रेक्टेंगल हमने बनाया इसकी आउटलाइन मोटी हो जाए, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बार से आउटलाइन को थोड़ा सा मोटी कर देते हैं। इसमें कलर हमें भरना है, तो जब हम इसमें कलर भर देते हैं, देखिए बैकग्राउंड में इसे हमें डालना, राइट क्लिक किया, ऑर्डर पर गए, ठीक है, और सेंड टू बैक कर दिए, तो ये बैक में चला जाएगा कुछ इस तरीके से। इतना मेरा कंप्लीट हुआ कलर, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक छोटा सा कोई स्टार ड्रैग कर लें, उसको भी लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से रेड पॉइंट से खींचते हैं नीचे की साइड को, देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो इसमें बहुत सारी जो हैं कलियां बन जाएंगी हमारी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, खींच दिया कलर, ठीक है, कलर डाल देते हैं इसमें, ठीक है। हम चाहते हैं इसमें कोई ग्रीन एक कलर डाल दें, पहले तो उठा के इसको हम रख देते हैं पॉइंट पे, और इसमें एक कलर कोई ग्रीन फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इतना मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आज हमने सीखा कोरल ड्रा में, ठीक है, 5 जो है लीव्स लोगो कैसे बनता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन